बर्ड्स के बारे में कि वो कैसे उड़ते हैं ठीक है और उनकी बॉडी और शेप के बारे में पढ़ा था और ये भी पढ़ा था कि उनके पास किस टाइप के बीक्स होते हैं तो तो ये रहा आपका एक रिवीजन था जो आपने एक ही बार में समझ लिया ठीक है ये आपका एक रिव्यू है आप देख सकते हैं आपने ये सारी चीज़ें मैंशन की थी पढ़ी थी और आज टॉपिक है क्लॉज ऑफ बर्ड्स यानी कि बर्ड्स के क्लॉज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं उनके पंजों के बारे में पढ़ने वाले हैं सो so, बिना डिले किए हुए लेट्स गेट गोइंग बर्ड्स यूज यूज़ देअर क्लॉज जस्ट लाइक वी यूज़ आर हैंड्स एंड लेग्स बर्ड्स जो हैं अपने पंजों का इस्तेमाल बिल्कुल उसी तरह करते हैं जैसे हम अपना हैंड्स और लेग्स इस्तेमाल करते हैं दे यूज़ क्लॉज टू कैच द कैच एंड ईट फूड या अपने खाने को पकड़ने और उनको खाने के लिए मतलब जैसे उनका जो हाथ है वो उनका क्लॉज ही है उनके हाथ पैर तो वो अपने पंजों का इस्तेमाल करते हैं वो अपने खाने को पकड़ सकें और उसे खा सकें टू मूव अबाउट एंड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्राम देयर एनिमीज़ घूमने चलने फिरने के लिए भी करते हैं अपने पंजों का इस्तेमाल और अपने एनिमीज को पकड़ने के लिए भी और उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए भी क्या करते हैं इस्तेमाल करते हैं ऑल बर्ड्स हैव टू फीट विथ फोर टोल्स हर बर्ड्स के पास दो फीट होते हैं चार टोल्स के साथ द क्लॉज ऑफ बर्ड्स टेलस अबाउट देयर लिविंग हैबिट्स और उनका जिस तरह का बर्ड का क्लॉज होता है वो उनके रहने के तरीकों को सिखाता है किस तरह से चलिए जानते हैं जैसे पहला है परचिंग बर्ड्स ठीक है परचिंग बर्ड्स लाइक क्रोस पैरोपीजन एक्सेट्रा हैव थ्री टोल्स इन फ्रंट एंड वन एट द बैक पर्चिंग बर्ड्स जैसे क्रो स्पैरो और पीजन इनके पास तीन टोज होते हैं आगे और एक होता है पीछे दिस हेल्प्स देम टू ग्रिप द ब्रांच ऑफ द ट्री वाइल सिटिंग एंड इवन वाइल इवन वाइल स्लीपिंग इनके पास ऐसे इसलिए होते हैं देखिए तीन आगे की तरफ होते हैं ऐसे देखिए इस तरह से ऐसे 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 और एक पीछे की तरफ होता है ठीक है चार हुए ना तीन आगे की तरफ एक पीछे की तरफ इसलिए होता है ताकि वो ब्रांचेस पर क्या करें उस पर अच्छी पकड़ बना सकें और जब वो सोते रहें तब भी और जब वो बैठे रहें तब भी ताकि वो ब्रांचेस को अच्छे से पकड़ सकें तो इसलिए इनके पास इस टाइप के होते हैं क्लॉज ठीक है फिर देखिए प्रेइंग के पास कैसा क्लॉज होता है जो प्रेइंग बर्ड्स होते हैं बेटा प्रेइंग बर्ड्स आप पता है शिकार करने वाले बर्ड्स लाइक ईगल्स एंड हैव शार्प एंड कर्व्ड क्लॉज इनके पास धारीदार और मुड़े हुए कर्व्ड क्लॉज होते हैं इनको कहते हैं टैलेंस अब आपसे कोई पूछ ले व्हाट डू यू मीन बाय टैलेंट्स देन यू कैन से दैट ईगल्स एंड वल्चर हैव शार्प एंड क्लॉज दैट इज नोन एज टैलेंट ठीक है जो ईगल्स और वल्चर्स के पास शार्प और कर्व्ड क्लॉज होते हैं वही टैलेंस कहलाते हैं फॉर होल्डिंग बर्ड्स जो स्क्रैचिंग बर्ड्स कुरेदने वाले मिट्टी को कुरेदा करते हैं ना वो वाले जो बर्ड्स होते हैं जैसे हैंक इन सब के पास स्मॉल फिफ्थ एक्स्ट्रा टो होता है अ लिटिल हायर अप एट द बैक ऑफ द लेग कह रहा है हैंस पिकॉक के पास हैव अ स्मॉल फिफ्थ एक्स्ट्रा टो अ लिटिल हायर अप एट द बैक ऑफ द लेग लेग के बैक साइड पे एक लिटिल हायर अप की तरफ फिफ्थ एक्स्ट्रा टो होता है जैसे कि स्क्रैचिंग बर्ड्स के पास है, uh, हैंस और पिकॉक्स के पास दे हैव शार्प शार्प क्लॉज टू स्क्रैच द अर्थ कह रहा है कि इनके पास शार्प क्लास होते हैं ताकि वो अर्थ को यानी कि मिट्टी को स्क्रैच कर सकें टू फाइंड ब्रीड इंसेक्ट्स एंड सीड्स ठीक है जो मिट्टी के अंदर सीड हो इंसेक्ट हो छिपे हुए हो दबे हुए हो ये उनको निकालने के लिए मिट्टी को कुरेद कुरेद के यूज करते हैं अपने क्लॉज का ठीक है फिर है एक स्विमिंग बर्ड्स स्विमिंग बर्ड्स लाइक डक्स एंड गीज फीट. स्विमिंग के पास किस तरह के होते हैं बेटा वेब्ड फीट होते हैं जालीदार ऐसे देखिए ऐसे 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 रहता है ना और यहाँ पे ऐसे स्किन लगी होती है ठीक है इस तरह का बर्ड का वो होता है फीट विच हेल्प देम टू स्विम इन वाटर ताकि पानी में वो अच्छे से तैर सके वो उसकी हेल्प करता है स्विमिंग बर्ड्स की जो फीट हैं वेब्ड फीट वो पानी में तैरने में हेल्प करते हैं द फ्रंट थ्री टोज आर ज्वाइंट विथ स्किन मैंने अभी आपको बताया ना कि आगे से जो तीन टोज होते हैं वो ऐसे स्किन से ज्वाइंट होते हैं विच हेल्प देम टू पुश वाटर बैक वाइल्ड स्विमिंग वो हेल्प करता है किसमें पानी को पीछे की तरफ धक्का देने में मदद करता है जब वो स्विमिंग करते हैं फिर है वेडिंग वेडिंग बर्ड्स बर्ड्स लाइक क्रेन मतलब ऐसे पंछी जो क्या करते हैं बेटा पानी में तैरते नहीं है पानी में चलते हैं ठीक है जस्ट लाइक क्रेन हेरॉन ये वॉक uh, करते हैं पानी में और दे हैव लॉन्ग लेग्स इनके पास लंबी लंबी टांगे होती हैं विध स्प्रेड आउट टोज टू वॉक ईजिली फैले हुए टोज के साथ जो पानी में इजिली या कीचड़ में इजिली क्या कर सकते हैं वॉक कर सकते हैं दे पिक आउट फिश फॉर्म दॉटर टू ईट यहाँ पे फ्रॉम होना चाहिए था बेटा यानी कि यहां पे यहां पे देखिए फ्रॉम फ्रॉम होना चाहिए था दे पिक आउट फिश फिश द वाटर वाटर टू ईट ये लोग पानी से या वाटर से या क्या निकाल लेते हैं हैं को निकालते हैं खाने के लिए इनकी लंबी -लंबी चोचे भी, चोच भी होती है और लंबी लंबी टांगे भी होती हैं फिर है क्लाइंबिंग बर्ड्स लाइक चढ़ने वाले जो बर्ड्स होते हैं जस्ट लाइक पिकर एंड डाउनवर्ड्स कुछ चढ़ने जैसे पेड़ वगैरह पे चढ़ने वाले बर्ड्स होते हैं लाइक उड़पिकर like और पैराकिड इनके पास दो पॉइंटिंग टोज मतलब होते हैं नुकीले नुकीले दो टोज होते हैं आगे की तरफ दो टोज होते हैं पीछे की तरफ ठीक है नीचे की तरफ दिस हेल्प्स देम टू क्लाइंब एंड ग्रिप द ट्री ट्रंक फॉर्मली और इनका जो टोज है ये इस तरह से इसलिए होता ताकि वो ऊपर चढ़ भी सकें और ट्री के ट्रंक को तेजी से पकड़ भी सकें ठीक है तो ये रहा उनके क्लॉज के बारे में और आपने बीक्स के बारे में पहले ही पढ़ा अब ये बता रहा है नेस्ट ऑफ़ बर्ड्स बर्ड्स का जो नेस्ट होता है उसके बारे में कि चिड़िया घोंसला कैसे बनाती हैं और क्यों बनाती हैं तो चलिए फटाफट -फड़ से इसको भी बिना डिले किए हुए पढ़ते हैं बेटा बर्ड्स नीड शेल्टर फ्राम बैड वेदर एंड एनिमीज बर्ड्स को शेल्टर के लिए और एनिमीज़ और बैड वेदर से बचने के लिए नेस्ट की ज़रूरत पड़ती है दे ऑल्सो नीड अ प्लेस टू ले एग्स और उनको अपने अंडों को ले करने के लिए भी जगह और नेस्ट की ज़रूरत पड़ती है टू प्रोटेक्ट देयर यंग वंस ताकि वो अपने बच्चों की हिफाजत कर सकें इसलिए भी वो नेस्ट बनाती हैं अब बर्ड्स शेल्टर इज़ कॉल्ड अ नेस्ट जो बर्ड्स का शेल्टर है यानी कि चिड़ियों का जो घर है उसी को हम नेस्ट कहते हैं बेटा बर्ड्स यूजुअली बिल्ड देयर नेस्ट इन स्प्रिंग सीजन ठीक है ये अपना जो घर है जो नेस्ट है लगभग स्प्रिंग बसंत के सीज़न में बनाती हैं बिफोर द स्टार्ट ऑफ समर्स यानी कि समर के शुरू होने से पहले दे यूज़ ड्राई ट्विक्स अब देखिए ये लोग इस्तेमाल क्या करते हैं जैसे हमें घर बनाने के लिए सीमेंट ईंटा मोरंग बालू इन सब का यूज़ पड़ता है ना वैसे ही बिल्कुल ठीक उसी तरह हा? इनको काम पड़ता है किसका किसका ट्विक्स का मतलब टहनियों का धागों का लीप्स का स्ट्रिंग का ऊल का मड का ये इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके क्या बनाती हैं नेस्ट बनाती हैं दे मेक नेस्ट ऑन ट्रीज ये लोग ट्रीज पर बनाते हैं टेरेसेज पे बनाते हैं वेंटिलेटर्स पे ट्यूब लाइट्स पर कहीं भी अगर होल वगैरह मिलता है तो वो वहाँ पर भी बना लेती हैं दे ले एक्स एंड हैच देम इन देयर नेस्ट वे अंडे देती हैं और अंडों को गर्माहट भी देती हैं अपने नेस्ट में द चिक्स स्टे इन द नेस्ट टिल दे आर ओल्ड एनफ टू फ्लाई और बच्चे जो होते हैं बर्ड्स के वो तब तक उसी नेस्ट में महफूज रहते हैं जब तक वो उड़ने के लायक ना हो जाए तब तक वो वही रहते हैं ठीक है आप देखिए जैसे हमारे घर भी कई टाइप के होते हैं ना बिल्कुल उसी तरह जो बर्ड्स के नेस्ट है वो भी कई टाइप के होते हैं तो चलिए देखते हैं कि कितने टाइप के या कैसे कैसे जो चिड़ियाँ हैं वो अपना नेस्ट बनाती हैं पहला है टेलर बर्ड ठीक है पहला टाइप से नेस्ट का टेलर बर्ड यूज़ इट्स बीक लाइक अ नीडल टू सौ सीव लीव टुगेदर यूजिंग थ्रेड एंड ऊल जैसे टेलर कपड़े नहीं सिलता है बिल्कुल उसी तरह एक बर्ड होता है टेलर बर्ड वो अपने बीक का इस्तेमाल करता है बिल्कुल सुई की तरह और वो पत्तियों को और धागे या ऊल को इस्तेमाल करता है और जैसे कपड़े सिले जाते हैं बिल्कुल उस तरह से अपना नेस्ट तैयार करता है दिस इज द रीजन वाई इट इज कॉल्ड टेलर बर्ड और यही कारण है कि इसको टेलर बर्ड कहा गया है ठीक है वेवर बर्ड छोटे छोटे लीव्स या ग्रास या टहनियो के पत्तों को और टहनियों को क्या करता है छोटे छोटे टुकड़ो को वेव करता है बुनता है ठीक है एक टनल की तरह और क्या करता है उसमें एक होल रखता है नीचे से खुला हुआ ये देख सकते हैं आप ताकि वो वहाँ से एंटर कर सके अंदर जाने के लिए ठीक है ये होता है वेवरबर्ड फिर देखिए उडपिकर उडपिकर क्या करता है उड पिकर पिक्स इन टू द ट्री ट्रंक विथ इट्स शार्प बीक टू मेक अ होल फॉर वुड उडपिकर अपने लंबी सी नुकीली चोंच का इस्तेमाल करता है ताकि पेड़ के हो उसमें ट्रंक में होल कर सके और उसी होल में वो अपना नेस्ट प्रिपेयर करता है उसी में वो रहता है पेंगविन्स देखिए क्या करती हैं लिव इन फ्रीजिंग कोल्ड एरियाज़ ये बिल्कुल जम जाने वाले यहाँ पे पानी जम जाता है ऐसे ठंडे एरियाज में ये लोग रहते हैं पेंगविन्स दे कैन नॉट फ्लाई ट्विक्स फाइंड ट्विक्स ऑन ट्विकीव्स सो दे कलेक्ट सम पेबल्स एंड देयर नेस्ट इज़ रेडी वो क्या करते हैं अब उनके पास लीव्स वगैरह तो मिलते नहीं है बहुत ठंडक की वजह से तो वो लोग कुछ पत्थरों के टुकड़ों को कलेक्ट करते हैं और उस पर अपना नेस्ट बनाते हैं अंग फिशर बुरोज बुरो, बुरो, होल ऑन द बैंक्स बैंक्स ऑफ अ रिवर टू यूज़ इट एज अ नेस्ट जो किंग फिशर होते हैं वो होल बनाते हैं रिवर के नदी के किनारे ठीक है उनके किनारों पर छोटे छोटे होल्स बनाते हैं और उसी को अपने नेस्ट की तरह यूज़ करते हैं अब देखिए क्या कह रहा है वी शुड नॉट टच आर डिस्ट और डिस्टर्ब द चिक्स इन अर नेस्ट कभी भी हमें अगर मान लीजिए कोई नेस्ट दिख जाता है तो उसको कभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और ना ही उनके बच्चों को छेड़ना चाहिए बट्स डू नॉट लाइक इट बर्ड्स को ये पसंद नहीं है वॉच बर्ड्स क्वाइटली फ्रॉम अ डिस्टेंस अगर आपको चिड़िया देखना ही है उनके बच्चों को देखना ही है तो दूरी से देखें अब देखिए एक वर्ड है इसमें पेरेंटल केयर जैसे आपके मम्मी पापा आपकी केयर करते हैं ना बिल्कुल उसी तरह बर्ड्स भी अपने बच्चों का केयर करते हैं चलिए देखते हैं कैसे द मदर बर्ड सिट्स ऑन द एग्स टू कीप देम वॉम सबसे पहले जब अंडे होते हैं तो जो मदर बर्ड होती है वो उसके ऊपर बैठती है ताकि उसको गर्म रख सके दिस प्रोसेस is कॉल्ड इनक्यूबेशन। क्या कहलाता है बेटा इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम इनक्यूबेशन कहते हैं ठीक है अब देखिए when the baby is completely formed in the egg the baby chick comes out from the egg by breaking the shell which is known as hatching कह रहा है जब उसमें बेबी बिल्कुल फॉर्म हो जाता है बच्चा बन जाता है एग के अंदर तब वो चिक बेबी क्या करता है कम आउट होता है मतलब अंडे के छिलके को ब्रेक करके बाहर आता है ठीक है इसको कहते हैं हैचिंग क्या कहते हैं हैचिंग कहते हैं द बेबीज और चिक्स आर वीक एंड फेदरलेस जब चिड़िए का, का बेबी बाहर आता है तो बिल्कुल छोटा होता है वीक होता है बहुत कमज़ोर होता है और उसके पास पंख भी नहीं होते देयर आइज़ आर क्लोज उनकी आंखें बंद होती हैं द पेरेंट्स कीप देम वॉर्म एंड फीड देम और जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको गर्म रखते हैं और क्या करते हैं उनको खाना वगैरह खुद खिलाते हैं द पेरेंट्स लुक आफ्टर द बेबीज टिल दे आर ओल्ड एनफ टू फ्लाई पेरेंट्स तब तक उनका ख्याल रखते हैं जब तक वो उड़ने के लायक ना हो जाएं एंड फाइंड फूड ऑन देयर ओन ठीक है और फूड को फाइंड करते के लायक ना हो जाए जब तक खुद से तब तक वो उनकी देखभाल करते हैं अब यहाँ पे एक जनरल नॉलेज की पार्ट है इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा ठीक है लिखा हुआ है बेटा द स्टडी ऑफ बर्ड्स इज़ कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी याद रहे क्या कहते हैं इसको ऑर्निथोलॉजी कहते हैं अगर बर्ड्स के बारे में कोई स्टडी हो रही है तो स्टडी को कहते हैं ऑर्निथोलॉजी एंड अ पर्सन हु स्टडीज बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट ठीक है हर चीज़ के स्पेशलिस्ट का नाम होता है ना तो अगर कोई बर्ड के बारे में स्टडी करता है तो उसको कहते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट डॉक्टर सलीम एक ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ठीक है जो कि इंडिया के थे तो यहाँ पे उनका भी नाम लिखा गया है डॉक्टर सलीम अली वाज अ फेमस ऑर्निथोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर सलीम अली जो थे वो एक इंडिया के मशहूर ऑर्निथोलॉजिस्ट थे ही रोट मेनी ब्यूटिफुल बुक्स अबाउट बर्ड्स उन्होंने बर्ड्स के बारे में बहुत सारी बुक्स भी लिखी हैं एंड ही डिड अलॉट फॉर कंजर्वेशन ऑफ बर्ड्स एंड वाइल्ड लाइफ और उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए हैं जिनसे चिड़ियों को या किसी भी वाइल्ड लाइफ को बचाया जा सके ही हैज़ बीन अवार्डेड पद्म विभूषण बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया के सरकार से पद्म विभूषण भी दिया गया है ठीक है ये अवार्ड है ठीक है अवार्ड का नाम है तो जो इनके बारे में जो आपने नॉलेज ली ये भी बहुत ही काम की चीज़ थी तो आपने बेटा इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं आई होप कि आपको समझ में आया होगा सो एंजॉय द वीडियो हैव अ गुड डे बाय